हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और टेक न्यूज वीडियो के अंदर, जहां पर गाइज आपको लेटेस्ट लीक्स, रूमर्स, अपकमिंग स्मार्टफोन और गैजेट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। साथ ही दोस्तों, हमें सपोर्ट करने के लिए यार लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए। गाइज वीडियो पसंद आने पे यार जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दीजिए, ताकि दोस्तों आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। ये शुरू करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं सैमसंग भैया की। तो सैमसंग बहुत जल्द अपने अफोर्डेबल 5G स्मार्टफोन्स को इंडिया में लाने की तैयारी में है, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सैमसंग गैलेक्सी A22, जिसके बारे में हमने कल ही बात की थी। तो गाइज ये स्मार्टफोन दोनों ही वेरिएंट में आपको देखने को मिलेगा, 4G और 5G, और ये दोनों ही वेरिएंट इंडिया की BIS सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर सर्टिफाई हो चुकी है। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने इस स्मार्टफोन की जो प्राइसिंग होगी और इसकी जो स्पेसिफिकेशन होने वाली है वो भी आपको बता दी थी। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो आपको आई बटन में मिल जाएगी, आप जा करके उसे भी जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। और गाइस अभी के लिए दोस्तों, ये स्मार्टफोन बहुत जल्द एशियन और इंडियन मार्केट पे आप देखने को मिलने वाला है। इतना ही नहीं, सैमसंग भैया ने अपने दो नए टैबलेट्स को भी लॉन्च कर दिया है। हालांकि दोस्तों, ये टैबलेट अभी इंडिया के अंदर नहीं आए हैं, जहां पर आपको देखने को मिलेगा सैमसंग गैलेक्सी टैब A7 लाइट और सैमसंग गैलेक्सी टैब S7 FE फैन एडिशन। ये एक 5G इनेबल टैबलेट है, जहां पर आपको 5G का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। ये टैबलेट आपको इंडिया के अंदर अराउंड 55,000 रुपीज़ के आसपास में देखने को मिलेगा। और अगर हम बात करें यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी टैब A7 लाइट की, तो ये थोड़ा सा अफोर्डेबल होने वाला है और ये टैबलेट आपको अराउंड 15,000 रुपीज़ के आसपास में इंडिया के अंदर देखने को मिलने वाला है। और इतना ही नहीं, इन दोनों जो टैबलेट हैं इनकी पूरी की पूरी स्पेसिफिकेशन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और इसी के साथ में ये दोनों टैबलेट आपको कैसे देखने को मिलेंगे वो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर आप कुछ भी नहीं बात करेंगे, जी हाँ, हम बात करेंगे यहाँ पर नथिंग की गाइज। और नथिंग दोस्तों बहुत जल्द अपने नए पावर बैंक को इंडिया में लेकर के आने वाले हैं, और ये पावर बैंक की जो बैटरी होगी, ये बैटरी इंडिया की BIS सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर सर्टिफाई हो चुकी है। मतलब कुछ नहीं भी बहुत जल्दी कुछ कुछ करने वाला है, तो वेट करते रहिए और देखते रहिए कि आपको कुछ नई की तरफ से और नए कुछ कुछ प्रोडक्ट्स जो देखने को मिलने वाले हैं। बात कर लेते हैं हमारे यहाँ पर सबसे अफोर्डेबल और सबसे चहीते इन्फिनिक्स की। तो इन्फिनिक्स ने अभी हॉट 10S को इंडिया के अंदर लॉन्च किया था, लेकिन अब यहाँ पर इन्फिनिक्स हॉट 10S का एक बड़ा भाई भी आ रहा है, जिसका नाम है यहाँ पर इन्फिनिक्स हॉट 10 प्रो। ये स्मार्टफोन भी इंडिया की BIS सर्टिफिकेशन पर सर्टिफाई हो चुका है, और इस फोन के अंदर आपको 6.95 इंचेस की फुल HD प्लस वाली 90Hz की सुपर फ्लूइड डिस्प्ले देखने को मिलेगी। मीडियाटेक हीलो G95 का चिपसेट, 64MP का अल्ट्रा नाइट कैमरा, और इसी के साथ में 5000mAh की बैटरी, 33W की फास्ट चार्जिंग और 16MP का AI एडवांस फ्रंट फेसिंग कैमरा देखने को मिलने वाला है। और गाइस ये जो स्मार्टफोन है, ये स्मार्टफोन ऐसी उम्मीद है कि अगले महीने ही आपको इंडिया के अंदर देखने को मिलने वाला है। बात कर लेते हैं यहाँ पर ओप्पो की। तो ओप्पो की जो ओप्पो रेनो 6 सीरीज है, ये भी चाइना के अंदर कल ही लॉन्च हो चुकी है, और इनकी जो पूरी की पूरी स्पेसिफिकेशन है और प्राइसिंग है वो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर ओप्पो रेनो 6 के अंदर आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 900 का चिपसेट देखने को मिल जाएगा, इसी के साथ में ओप्पो रेनो 6 प्रो के अंदर आपको यहाँ पर मीडियाटेक डायमेंसिटी 1200 का। और बात करें अगर यहाँ पर ओप्पो रेनो 6 प्रो प्लस की, तो यहाँ पर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 का चिपसेट देखने को मिलने वाला है। अगर हम बात करें प्राइसिंग की, तो वो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख ही सकते हैं कि ओप्पो रेनो 6 आपको मिल जाएगा 31,000 रुपीज़ के आसपास में, और ओप्पो रेनो 6 प्रो आपको देखने को मिलेगा अराउंड 40,000 रुपीज़ के आसपास में। और अगर बात करें यहाँ पर ओप्पो रेनो 6 प्रो प्लस की, तो इसका बेस वेरियंट आपको मिल जाएगा अराउंड 46,000 रुपीज़ के आसपास में। तो गाइस ये जो स्मार्टफोन्स है, ये चाइना के अंदर लॉन्च हो चुके हैं, और ऐसी उम्मीद है कि इसमें से दो स्मार्टफोन आपको बहुत जल्द इंडिया के अंदर भी देखने को मिलने वाले हैं। और इतना ही नहीं, ओप्पो बहुत जल्द अपनी वॉच 2 सीरीज को भी लेकर के आने वाले हैं, जिसके बारे में हमने पहले भी बात की है कि ये जो वॉच सीरीज होगी, ये वॉच सीरीज आपको इस साल के सेकेंड हाफ में देखने को मिल सकती है। इस वॉच के अंदर आपको देखने को मिलेगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का VR4100 का चिपसेट। ये जो वॉच होगी, ये वॉच आपको 16GB तक की इंटरनल मेमोरी के साथ में देखने को मिल जाएगी, और यहाँ पर आपको ई सिम का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा 4G सपोर्ट के साथ में। और ये जो स्मार्ट वॉच होगी, इसकी स्पेसिफिकेशन और ये वॉच आपको कैसे देखने को मिलने वाली है वो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। बहुत जल्द अपने कुछ भारी वाले प्रीमियम TWS बर्ड्स को लॉन्च करने वाले हैं, और ये TWS बर्ड्स इंडोनेशियन टेलीकॉम वेबसाइट सर्टिफिकेशन पर सर्टिफाई हो चुके हैं, जिसका मतलब कि बहुत जल्द ये जो TWS बर्ड्स हैं, ये एशियन मार्केट में तो आपको देखने को मिलेंगे ही, साथ में आपको ये इंडियन मार्केट में भी देखने को मिलने वाले हैं। तो रियलमी ने यहाँ पर कुछ अजीबो गरीब हरकत कर दी है। रियलमी ने अभी हाल ही में एक सर्वे निकाला है, जहाँ पर रियलमी अपने कस्टमर से ये पूछ रहा है, आने वाला जो अपडेट है रियलमी UI 3.0 का, अगर उसकी जगह पर आपको यहाँ पर कलर OS देखने को मिल जाए तो आपकी इसके बारे में क्या राय होगी। इसी के साथ में ये जो अपडेट होगा, इसका नाम क्या होना चाहिए, कलर OS फॉर रियलमी। फिर गाइस जो भी आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहे होंगे,
इसका मतलब यही हुआ कि बहुत जल्द आपको Realme के स्मार्टफोन में भी अब कलर OS ही देखने को मिल सकते हैं। आपकी इसके बारे में क्या राय आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बता सकते हैं। वो बहुत जल्द अपने नए एंट्री लेवल स्मार्टफोन को लेकर आने वाले हैं जिसका नाम होगा यहाँ पर Oppo A16 और ये स्मार्टफोन चाइना की CQC सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर सर्टिफाई हो चुके हैं। और अगर हम इस सर्टिफिकेशन की माने तो यहाँ पर आपको बहुत ही जबरदस्त फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। सुनकर यकीन नहीं होगा कि यहाँ पर आपको 10 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। अब बात करते हैं यहाँ पर बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया के फैनों की। तो अगर आप इसके फैन हैं और आप इस गेम का लॉन्च होने का इंतजार कर रहे थे तो अब ये गेम बहुत जल्द आपको इंडिया के अंदर देखने को मिलने वाला है। क्योंकि गाइस यहाँ पर मैक्सटर्म जी ने यहाँ पर एक क्रिप्टोग्राफी टाइप का ट्वीट किया है जिसे हम कन्वर्ट करें तो ये निकल के आएगी 18 जून। जैसा कि पहले लीक भी सामने आ रहे थे कि ये गेम आपको 18 जून को इंडिया के अंदर देखने को मिल सकता है, तो हो सकता है गाइस कि ये कंफर्म न्यूज़ हो और आपको बहुत जल्द अब ये गेम इंडिया के अंदर देखने को मिल जाए। Xiaomi बहुत जल्द अपने कुछ नए नोटबुक को लॉन्च करने की तैयारी में है जहां पर ये नोटबुक इंडोनेशियन टेलीकॉम सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर सर्टिफाई हो चुके हैं। इसका मतलब कि बहुत जल्द ये नोटबुक आपको एशियन मार्केट में देखने को मिलने वाले हैं और इसी के साथ में ऐसी उम्मीद है कि ये नोटबुक आपको बहुत जल्द इंडिया के अंदर भी देखने को मिल सकते हैं। इतना ही नहीं, Xiaomi का अगर आप यहाँ पर Mi 11X स्मार्टफोन यूज़ कर रहे थे तो ये स्मार्टफोन के लिए यहाँ पर इंडिया के अंदर MIUI 12.5 का स्टेबल अपडेट शुरू हो चुका है। अगर आपको अभी तक नहीं मिला है तो ज़रूर से आप जा करके चेकआउट कर सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पर Google की दोस्तों, तो Google भी बहुत जल्द अपनी Google Pixel 6 सीरीज को लेकर के आने वाले हैं जहाँ पर आपको कैमरास तो अच्छे देखने को मिलेंगे ही, साथ ही यहां पर आपको वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए गिम्बल का सपोर्ट भी देखने को मिलने वाला है। इसका मतलब हुआ कि यहां पर आपको बहुत ही अच्छे और स्टेबल वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी देखने को मिलने वाला है। Huawei भी बहुत जल्द यानी 6 जून को ही चाइना के अंदर अपने Huawei MatePad Pro 2 को लॉन्च करने वाले हैं और इस पैड के अंदर आपको यहाँ पर स्टाइलस का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। स्टाइलस जानते हैं ना दोस्तों, पेन जैसा होता है वही, तो इसके अंदर वो भी आपको सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। और अब बात करते हैं यहाँ पर OnePlus की गाइस, और जैसा कि हमने आपको बताया था कि OnePlus Nord N 200 जो स्मार्टफोन होगा, ये स्मार्टफोन भी बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है। तो फिलहाल के लिए गाइस ये स्मार्टफोन यार लॉन्च तो होगा लेकिन अभी इंडिया में आएगा कि नहीं इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। इसके साथ में बात कर लेते हैं यहाँ पर OnePlus के Nord CE स्मार्टफोन की भी। तो यहाँ पर OnePlus ने ऑफिशियल तौर पर कन्फर्म कर दिया है कि ये स्मार्टफोन आपको 10 जून को ही इंडिया के अंदर देखने को मिलने वाला है। इतना ही नहीं, स्मार्टफोन की यहाँ पर स्पेसिफिकेशंस भी सामने आ चुकी हैं। गाइस यहाँ पर आपको मिल जाएगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G का चिपसेट, 6.4 इंचेस की फुल HD प्लस वाली 90 हर्ट्ज की AMOLED डिस्प्ले, इसी के साथ में 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर और 16 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी कैमरा देखने को मिलने वाला है। ये स्मार्टफोन 16 जून से आपको ओपन सेल में भी देखने को मिलेगा। और इतना ही नहीं गाइस, यहाँ पर OnePlus ने कंफर्म कर दिया है कि OnePlus की जो U1S टीवी होने वाली है, ये टीवी भी आपको इंडिया के अंदर इसी लॉन्च इवेंट के दौरान ही देखने को मिलने वाली है। अब बात करते हैं यहाँ पर उस स्मार्टफोन की जिसका लोग बहुत जमाने से इंतजार कर रहे थे। तो गाइस ये स्मार्टफोन है पोगो की तरफ से, पोको F3 GT। तो गाइस यहाँ पर पोगो ने ऑफिशियल कंफर्म कर दिया है कि गाइस ये स्मार्टफोन आपको Q3 2021 के अंदर देखने को मिलना है, यानी गाइस जून जुलाई या अगस्त के अंदर ये स्मार्टफोन आपको देखने को मिल जाएगा। और गाइस यहाँ पर आपको मिल जाएगा MediaTek Dimensity 1200 का चिपसेट। फ्रेंड्स अब ये स्मार्टफोन यार बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत जल्द अब ये स्मार्टफोन आपको देखने को मिलने वाला है। इस वीडियो को करते हैं एंड, लेकिन गाइस उससे पहले अगर अभी तक आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर से लाइक कर दीजिएगा और अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें। सो गाइस बात करते हैं यहां पर आखिरी न्यूज की, और आखिरी न्यूज है यहां पर Realme की तरफ से। और Realme ने यहां पर एक ऑफिशियल ट्वीट किया है जहां पर उन्होंने बताया कि एक ऐसा स्मार्टफोन जो कि आपको $100 के आसपास में देखने को मिल जाए, यानी दोस्तों $100 अगर हम इसे इंडियन प्राइस में कन्वर्ट करें प्राइसिंग अराउंड आपको देखने को मिल जाएगी 7,000 से 8,000 रुपए के अंदर। तो दोस्तों बहुत ज्यादा आपको यार 5G स्मार्टफोन देखने को मिलने वाला है Realme की तरफ से 8,000 रुपए के आसपास में। यहाँ पर एक मीटिंग भी होने वाली है June 3 को जहाँ पर Realme और Qualcomm मिलकर के यहाँ पर मीटिंग करेंगे और ऐसी उम्मीद है कि यार इस फोन के अंदर आपको यहाँ पर सस्ता कोई अफोर्डेबल 5G चिपसेट देखने को मिल सकता है Qualcomm की तरफ से। का मतलब हुआ कि बहुत जल्द आपको Realme की तरफ से एक बहुत ही ज़्यादा एंट्री लेवल पर अफोर्डेबल 5G स्मार्टफोन अब बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है। सो गाइस आज की टेक न्यूज यहीं पर एंड होती है। उम्मीद आपको टेक न्यूज पसंद आई होगी, तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही यार हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।